कोसली भाखली नामकरण विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। जी हां, गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट न देने का ऐलान भी कर दिया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया है। साथ ही साथ गांव के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कोसली भाखली नामकरण विवाद में 5 मार्च को खूनी संघर्ष में कोसली के रहने वाले महावीर सिंह की हत्या हो गई थी, जिसमें अब गांव वालों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर पंचायत भवन में बैठक की है। बैठक में गांव वालों ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी को वोट न देने का मन बना लिया है। तहसील में प्रदर्शन किया और डीएसपी और एसडीएम साहब के सामने उनको अल्टीमेटम दिया। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर दी जाएगी, इसके बाद गांव चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को जो नुकसान और जो होगा उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है कि 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर दी जाएगी। इस मामले को लेकर एसडीएम और डीएसपी ने ज्ञापन लेते हुए 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। डीएसपी साहब से बात की, डीएसपी साहब ने एश्योरेंस दिया कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की रहेगी, डीएसपी साहब बैठे हुए, इन्होंने एश्योर किया है कि आज गिरफ्तार करेंगे। उधर प्रशासन द्वारा बयान से मुकरने पर ग्रामीणों ने भी चक्का जाम की भी चेतावनी दे डाली है। ग्रामीणों ने कहा है कि अब किसी भी सूरत में कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी नियम कायदे क्यों ना तोड़ने पड़ जाएं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन ने जो वादा किया, क्या वादा समय रहते पूरा हो पाता है या फिर नहीं। कोसली से नवीन की रिपोर्ट।